हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको गेम लूप की सेटिंग बताऊंगा, जो आप सेटिंग करने के बाद अपनी गेम पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी गेम लैग करती है, कोई भी मसला है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पबजी, फ्री फायर कोई भी गेम खेलते हैं, लैग करती है तो उस ये सेटिंग करने के बाद आपका कोई मसला नहीं होगा, आपकी गेम पहले से बेहतर चलेगी। चलो तो चलें सेटिंग की तरफ चलते हैं। आपने पहले अपने गेम लूप को ओपन कर लेना है। गेम लूप को ओपन करने के बाद आपने थ्री लाइंस पे चले जाना है। यहाँ पे आपने इसकी अपडेट चेक कर लेनी है, इसकी अगर कोई अपडेट है या नहीं तो सिंपली चेक अपडेट करके आपने अपडेट इसको कर लेना है। अगर नहीं है तो अपडेट करने से जो लैग होता है या कोई ये मसला होता है, जो एरर होते हैं, बग होते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं और स्टटर जो होते हैं वो भी फिक्स हो जाएंगे। तो अगर आपका अपडेट नहीं है तो इसको अपडेट कर लें। उसके बाद अब जाते हैं हम अब अगली सेटिंग की तरफ। आपने सिंपली राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है गेम लूप की। यहाँ पे आपने एडवांस में चले जाना है, कंपैटिबिलिटी में सॉरी चले जाना है। यहाँ पे आपने रन दिस प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी मोड को चेंज करके विंडो 8 को विंडो 7 पे करके, और इधर आपने यहाँ पे होगा रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इसको टिक कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली चेंज DPI सेटिंग के अंदर जाना है, ये वाले दो चेक आपने करने हैं और ओके करके अप्लाई और सेव। ये होगी सेटिंग हमारी कंपैटिबिलिटी की। अब आपने क्या करना है, आपने अब चले जाने हैं इसकी लोकेशन में, ओपन फाइल लोकेशन करके, ठीक है। आपने इसकी फाइल की लोकेशन में चले जाना है और एक फोल्डर बैक चले जाना है, और यहाँ पे आपने UI में जाना है। यहाँ पे आपने एंड्रॉयड एमुलेटर, एंड्रॉयड जितने भी एमुलेटर हैं इनकी भी कंपैटिबिलिटी सेटिंग को चेंज करके आपने सिंपली वही सेटिंग करनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी, विंडोज 7 और रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर चेंज DPI सेटिंग, और यही वाली तमाम सेटिंग आपने इधर भी कर लेनी है सब एमुलेटर की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ और इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक एक की सेटिंग वैसे ही करनी है जैसे उधर हमने की हुई है, और अप्लाई और ओके और सेव। ये वाला एमुलेटर इसको भी आपने करना है, वही सेटिंग कंपैटिबिलिटी में चले जाएं, रन विंडो 7 और रन दिस प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद चेंज DPI सेटिंग, और ये दोबारा ये भी हो गया जी हमारा क्लियर। अब इन्होंने क्या करना है, ये वाला जो है एंड्रॉयड रेंडर इसको आप छोड़ दें, ये वाला नहीं है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये होगी हमारी सेटिंग जी कंपैटिबिलिटी की। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे होगा कैशी आपने क्लियर करनी है, रेंडर कैशी के फोल्डर नेम से ये फोल्डर है, इसके अंदर आपकी कुछ फाइल्स होंगी जो आपने डिलीट करनी है। डिलीट करने से आपकी मेमोरी क्लियर हो जाएगी अपने एंड्रॉयड की, तो फिर आप पहले से बेहतर परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं गेम लूप की, ठीक है। तो आपने इस तरह यहाँ पे फाइल्स होंगी आपने रेंडर कैशी में आपने डिलीट करनी है, मैंने कर दी है तो यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो आपने लाजमी से करनी है, ठीक है। उसके बाद अब बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट आपने क्या करना। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सर्च बार में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ग्राफिक सेटिंग, ठीक है। ग्राफिक सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, आपने गेम लूप को ऐड करना है। गेम लूप के ये जो है ना तीनों एमुलेटर, वैसे ही आपने ब्राउज़ करके सिंपली अपने गेम लूप को देखना है कहाँ पर इंस्टॉल है, वहाँ से आपने या डेस्कटॉप पे है तो ओपन फाइल लोकेशन करके आप एक फोल्डर बैक करके यूआई में जाके यहाँ से आप देख सकते हैं ये एमुलेटर है और EN एमुलेटर है और EX, इन तीनों का आपने यहाँ पे एक एक करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, ऑप्शन पे जाके हाई परफॉर्मेंस करके सेव करना है, और दूसरे को भी इसी तरह हाई परफॉर्मेंस करके सेव कर देना है, और तीसरे को भी हाई परफॉर्मेंस पे आपने सेलेक्ट करके सेव कर देना है। ये होगी सेटिंग हमारी हाई परफॉर्मेंस की। आपने ये कर ली सेटिंग, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे Windows+R के बटन को प्रेस करना है। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है msconfig, MSCONFIG config, ये टाइप करने के बाद एंटर कर दें। अब आपने यहाँ पे जाना है बोट में जाके एडवांस सेटिंग, एडवांस ऑप्शन में नंबर ऑफ प्रोसेसर का आपने टिक कर देना है, और यहाँ पे आपके मैक्सिमम जितने प्रोसेसर हैं, जितने भी कोर हैं ना, उनको आपने इनेबल कर देना है, और मैक्सिमम मेमोरी को भी आपने इनेबल कर देना है। जितनी आपकी रैम है ना उतनी रैम यूज़ होगी आपकी PC की, ठीक है। तो और जितने कोर हैं उतने कोर यूज़ होंगे, तो आपने इसको सिंपली सेव कर देना है। सेव करने के बाद अप्लाई करके और सिंपली ओके। रिस्टार्ट का कह रहे हैं, आपने रिस्टार्ट नहीं करना है लाजमी। अब मैं नहीं रिस्टार्ट कर रहा क्योंकि मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो बाद में फिर मैं रिस्टार्ट इसको कर लूँगा क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ था। तो आप इसको मैं एग्जिट करूँ, आपने रिस्टार्ट करना है, ठीक है।
तो अब आपने क्या करना है, ये जी होगी हमारी सेटिंग, अब कोर की भी, कोर की सेटिंग होगी, अब आपकी गेम दौड़ेगी भागेगी, FPS भी आपके एक्सट्रीम आएंगे, ठीक है, हाई एंड FPS आपके हाई FPS आएंगे गेम के अंदर भी, और जो भी गेम आप खेलना चाहें, ब्लू स्टेक के अंदर, पबजी, फ्री फायर या कोई भी एंड्रॉयड की गेम। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ, मज़ीद आपने इसकी सेटिंग और करनी है ताकि आपकी गेम और बेहतर तरीके से चले। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने गेम लूप की सेटिंग कैसे करनी है। गेम लूप की सेटिंग आपने करनी है, उसके बाद जो आपको मैं सेटिंग बताने जा रहा हूँ आपने वो वाली करनी है। आपने सिंपली सेटिंग के अंदर चले जाना है, सेटिंग में जाएं, क्लिक करें सेटिंग को। सेटिंग में जाने के बाद बेसिक में आपने सिर्फ बेस्ट फिक्स विंडो रेशो को इनेबल करना है। यहाँ से आप अपना स्क्रीन शॉट एंड वीडियो रिकॉर्डिंग या भी कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसकी ये लोकेशन है, अब यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जो आपने डाउनलोड किया हुआ है। अब आपने इंजन में जाना है, आपने यहाँ से गौर करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वही वाली सेटिंग करनी है। अगर तो आपका लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल तो इसको ओपन जीएल पे रखें, अगर नहीं लगा हुआ तो इसको डायरेक्ट एक्स पे रखें। अगर आपका लगा हुआ है कोई ग्राफिक कार्ड नॉर्मल सा तो आपने फिर भी इसको डायरेक्ट एक्स पे रखना है, और आपने और कोई भी चीज़ चेक नहीं करनी, इन दरमियान वालों दोनों को चेक कर देना है। उसके बाद आपने NTAlias को ऑफ रहने देना है, मेमोरी को आपने अपने PC के हिसाब से मेमोरी रखनी है, जितनी आपकी PC की मेमोरी है उतनी यहाँ पे आपने रैम लगा लेनी है, और कोर आपने मैक्सिमम यहाँ पे अपने CPU के कोर जितने आपको मैंने बताया था MS कॉन्फ़िग में जाके आप चेक कर सकते हैं, दोबारा से वहीं पे जाएं, Windows+R के बटन पे प्रेस करें, MS कॉन्फ़िग के अंदर जाएं, MS कॉन्फ़िग के अंदर बोर्ड पे जाने के बाद एडवांस पे जाके आप देख लें यहाँ पे मेरे कितने हैं, फोर कोर हैं, ठीक है, हमारे फोर कोर हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करने हैं फोर कोर ही। तो इसी तरह आपने यहाँ पे जितने आपके कोर हैं ना उसका हाफ सेलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे फोर हैं तो टू मैंने सेलेक्ट किए हैं, बाकी जो दो हैं वो आपकी विंडो चलाने में, प्रोसेसिंग करने में और बैकग्राउंड के जो काम होते हैं वो आपके दो कोर वो करेंगे और दो गेम चलाएंगे, ठीक है। आपने रेजोल्यूशन आपने 720 रखनी है, अगर गेम लैग करे तो आपने इसको लो एंड कर देना है, इससे भी लो, ठीक है, ये वाली रख लेनी है 1024x5760, ठीक है, नहीं तो 720 पे आप इसको रहने दे। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन DPI डिफ़ॉल्ट, अगर लैग करे तो 160 पे आप जा सकते हैं, नहीं तो 214, ठीक है। उसके बाद आप मॉडल में चले जाएं, मॉडल का कोई मसला नहीं है, जो मर्ज़ी आप रख लें, गेम की सेटिंग में आपने सब कुछ लो एंड करना है, जैसे कि यहाँ पे ST720 डिफ़ॉल्ट और ऑटोमेटिक को स्मूथ करके और 90 FPS और सेव। ये हो गई हमारी अब गेम लूप की सेटिंग, तो चलते हैं अब आपको मैं बताता हूँ गेम की सेटिंग आपने क्या करनी है। आपने गेम की सेटिंग में भी हाई एंड जितना भी आपके ग्राफिक परफॉर्मेंस आती है, मैं आपको गेम लगा के बताता हूँ, गेम ले रही तो आप ग्राफिक सेटिंग में चले जाएं, कि जो भी गेम आप खेल रहे हैं पबजी हो या फिर फ्री फायर, तो आपने स्मूथ और यहाँ पे 90 FPS, ठीक है, मेरे 90 FPS अनलॉक हो चुके हैं, ठीक है, 90 FPS आप लगा के इसको सेव कर सकते हैं सिंपली, और आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, यहाँ से आप कलर अपनी मर्ज़ी से रख लें। उसके बाद आप सेव करें सेटिंग, इफ़ेक्ट आप जो मर्ज़ी रख लें, और ये थी जो सेटिंग होगी हमारी अब गेम की, ये थी गेम की ग्राफिक सेटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपको मैंने एक मेन चीज़ बतानी है आपको वो मैं बताऊंगा, आपने वो लाजमी से करनी है ताकि इस गेम को अब मैं करने लगा हूँ क्लोज़। तो गेम की सेटिंग मैंने आपको बता दी, ये मेरा एमुलेटर नीचे चलता रहेगा, तो अब आपको मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा ट्रिप आपके लिए, एक मैं सॉफ्टवेयर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपने वो वाला इंस्टॉल करना है अपने PC में डाउनलोड करके, तो आपकी मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आपने इस लिंक पे चले जाना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से इस लिंक पे आ जाएं, मेरे लिंक पे आ जाएं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, और डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं रैम ऑप्टिमाइजेशन पैक बाय MM गेमिंग, ठीक है, तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लें अपने PC में, डाउनलोड करने के बाद इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करके आप इसको यूज़ करके अपनी मेमोरी रैम पहले से काफ़ी हद तक क्लियर कर सकते हैं। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया आपके सामने, अब हम इसको चेक करते हैं, शो इन फोल्डर मैंने किया इसको, यहाँ पर मैं इसको
तो आपने ये वाला जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है लिंक में डिस्क्रिप्शन पे, आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपके सामने ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपने इस तरह रजिस्ट्री ट्वीक को ट्वीक को करना है जी। और ये हो गया हमारा, और यहाँ पे ये सेटअप है, आपने इसको इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ऐसे ये हो गया जी हमारा ऑटोमेटिक अपडेट, यस। और ये डाउनलोड हो रहा है अपडेट, और ये फिनिश। ठीक है, ये जी हमारी हो गई मेमोरी वाला क्लीन करने वाला सॉफ्टवेयर हमारा हो गया इंस्टॉल। ठीक है, अब आप इसको सिंपली कर दे रहा, ये जो है टाइम टाइमर, इसको आपने कोई नहीं ये यूज़ करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास आ गया सॉफ्टवेयर, ये हमारे काम का है। अब हम देख सकते हैं, आप मैं आपको दिखाता हूँ लाइव सामने, आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रैम का कितनी यूज़ हो रही है, 39। ठीक है, अब आप देखें सामने आपके, क्लीन मेमोरी करूँगा मैं इसको, आपकी मर्ज़ी है इसको, डोंट आस्क मी अगेन, आप करें ना करें, तो यस। तो ये अब आपके सामने ये मेमोरी क्लीन करेगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारी मेमोरी कितनी डाउन हो गई है। देखें 29% मेमोरी आपकी क्लियर हो गई है। तो इस तरह आप अपनी रैम को इंक्रीज़ करके कोई भी गेम खेलें तो आपकी विदाउट लैग गेम चलेगी, और जो भी इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये था एक्स्ट्रा टिप आपके लिए, ये सॉफ्टवेयर है मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं वहाँ से इसको डाउनलोड करें और यूज़ करें, और अपना गेमिंग का एक्सपीरियंस पहले से बेहतर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और कमेंट में मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो। तो चलो फिर मैं आपको मिलूँगा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।